नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिव्यू याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिव्यू याचिका को दाखिल करने का फैसला किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका पर मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शक पैदा करने वाला है। ये फैसला जो भी आया है, हम इस फैसले से असंतुष्ट हैं, और उन्होंने कहा कि 5 एकड़ जमीन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी हम रिव्यू याचिका दायर करेंगे, तब 5 एकड़ जमीन के बारे में सोचेंगे। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिव्यू याचिका दाखिल करने पर इकबाल अंसारी ने कहा है कि जब वहां सुलह समझौता के लिए पार्टी बुलाई गई थी तो वहां 25 पक्षकार बुलाए गए थे। 14 पक्षकार लिखा पढ़ी में हाईकोर्ट में हैं, हम सबके जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन उन्होंने जिस गोल मोल मटोल से फैसला में उसमें हुआ कि मस्जिद आपकी है, मस्जिद में नमाज होती थी, मस्जिद में बुत रखा गया भी सही है, मस्जिद ऐसा ही कि यह है कि मस्जिद को मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ये भी है। आप बताइए, सब होने के बावजूद फिर भी उन्होंने कहा कि ये रामलला को दे उनको जमीन की होगी, तो ये एक शक की निगाह से देखी जा रही है। इसलिए हम लोग इसको याचिका दायर करने जा रहे हैं। और ये जो पुनर्याचिका का फैसला है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब मजबूरी है ये करना। जो उन्हें लोग समझें तो जानकारी भी लोग कर लें कि हाँ, कि इसमें कितने मुकदमे हैं। जब जो है यहाँ सुलह समझौता के लिए पार्टी बुलाई गई थी तो 25 पक्षकार बुलाए गए थे, 14 पक्षकार लिखा पड़ी में हाईकोर्ट में है। हम सबके जिम्मेदार नहीं है, मैं अपने आप का जिम्मेदार हूँ, क्योंकि हमारी कमेटी भी है, कमेटी के लोग हैं, और कोई कमेटी से में किसी का कोई विरोध नहीं है। हमारे जो है जाने से या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल ये हिंदुस्तान का कानून है कि अगर हम जो है पुनर्याचिका के जो है बात को लोग जानते नहीं, जो कमियां रहती हैं उसको आप केवल पूछा जाता है, बस इतना ही सी बात है कि ये कमी रह गई, इसको हम पूछेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अमित जानी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अमित जानी को बनाया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अमित जानी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि अमित जानी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने की है। अमित जानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के निवासी हैं, जो कि BSP सुप्रीमो मायावती की मूर्ति तोड़कर चर्चा में आए थे। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद ADGPSC विनोद कुमार सिंह अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने SSP आशीष तिवारी और उनकी टीम की सराहना की। ADGPSC विनोद कुमार सिंह अयोध्या फैसले के बाद कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने इस मौके पर तुलसी स्मारक भवन में PSC के जवानों को संबोधित किया। जिस तरह से आशीष तिवारी और उनकी टीम ने दोनों परिक्रमाओं, कार्तिक पूर्णिमा के मेले और इन सब के बाद सबसे अहम अयोध्या विवाद पर फैसले के समय जिस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखी, ये सच में प्रशंसनीय व बधाई के काबिल है। अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में PSC व्यवस्थापित है, धार्मिक स्थल सुरक्षा में भी और वर्तमान परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए भी आई है। तो अपने जवानों के बीच आने की एक बात थी, अपने अधिकारियों से एक संवाद स्थापित करने की बात, उनके विचार जानने के बाद पूरी कवायद उनके मनोबल को ऊंचा करने की। और कोई विशेष नहीं सर, जिस तरह से 1-to-1 और डोर टू डोर स्कीम चलाई गई थी प्रेस के द्वारा, उसके लिए अपने फैजाबाद में क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इसको कहते हैं वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड, जो पूरी कार्य योजना थी, जो पूरी एक्शन प्लान था, उसके लिए SSP श्री आशीष और उनकी पूरी टीम और IG रेंज संजीव गुप्ता का जो मार्गदर्शन रहा, ADG जोन, DGP मुख्यालय, सबके मार्गदर्शन में, लेकिन मौके पर जिस खूबसूरती से हमारे SSP ने उसको क्रियान्वित किया, पूरी अयोध्या पुलिस और पूरी टीम बधाई की पात्र। संभल में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, जहां पर दुकान पर बैठे बुजुर्ग को बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी, वहीं घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संभल में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यहाँ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दुकान पर बैठे बुजुर्ग को बाइक सवारों ने गोली मारी, तो वही गोली मारकर दोनों बाइक सवार मौके से फरार भी हो गए। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है और इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। महोबा में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। महोबा में शासन के आदेश पर यातायात नियमों के पालन कराने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएम की अध्यक्षता में शहर के डीएवी इंटर कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान छात्रों सहित ट्रांसपोर्टर्स और समाज सेवियों को भी जीवन सुरक्षित रखने के मूल मंत्र से अवगत कराकर मुख्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 18 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक हो रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम नियत। आज डीएवी कॉलेज में ये कार्यक्रम करते हुए एक रैली जागरूकता के लिए निकाली जानी थी बच्चों की, उसी के संदर्भ में डीएवी कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें यातायात नियमों के बारे में, यातायात नियमों के पालन के बारे में, सड़क पे किस तरीके से चलें कि सुरक्षा रहे, इसके बारे में लोगों को, बच्चों को जागरूक किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ।